क्या आप जानते हैं कि एक जिराफ अकेले एक साथ एक शेर के झुंड को आसानी से हरा सकता है? अगर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच लड़ाई हो जाए तो उसमें आखिर कौन जीतेगा? और क्या आपने ब्लू कलर का शहद कभी देखा है? मोबाइल पर मैसेज तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन क्या आप कैलकुलेटर पर मैसेज लिख सकते हो? 24 कैरेट गोल्ड के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन 24 कैरेट मिठाई के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो के अंत तक आपको इन सब के बारे में पता चलने वाला है, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। आप सभी ने कैलकुलेटर से मैथ्स तो जरूर सॉल्व की होगी, पर क्या आप सभी को पता है कैलकुलेटर की मदद से आप किसी को यूनिक वे में हेलो बोल सकते हो? बस उसके लिए आपको कैलकुलेटर पर 0.7734 लिखकर उसको उल्टा करना होगा, जिसके बाद वो नंबर हेलो की तरह स्पेल होगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ट्राई करके देख लो। इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि इस दुनिया में जितना भी युद्ध हुआ है वो सब दो देशों के झगड़ों की वजह से हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार एक सोल्जर के फाट ने दो देशों के बीच झगड़ा लगा दिया था। दरअसल जेरूसलम में तैनात रोमन सोल्जर ने एक टेंपल के पास वर्शिप कर रहे ज्यू सोल्जर्स के बीच फाट कर दिया था, जो कि उनके हिसाब से एक ऑफेंस यानी अपमान था। और यही वजह थी कि इस घटना के बाद युद्ध शुरू हुआ और करीब 10,000 लोगों की मौत बस एक फाट के चलते हो गई। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन चीजों को देखोगे वो दुनिया की सबसे पहली चीज है। ये दुनिया के सबसे पहले बॉडी बिल्डर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे पहली बाइक और कार है। इसी के साथ साथ ये दुनिया की सबसे पहली मशीन गन है और सबसे आखिर में ये दुनिया का सबसे पहला सॉकर बॉल है। आप सभी ने डाबर और पतंजलि जैसे ब्रांड के शहद को तो खाया ही होगा, जो कि येलो ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में ब्लू कलर का हनी भी मिलता है, जो कि फ्रेंच हनीबीज द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर आप ये नीला शहद खाना चाहते हैं, तो तब उसके लिए आपको फ्रांस जाना पड़ेगा। सूरत के बारे में तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, पर क्या आप सभी जानते हैं कि सूरत में एक ऐसी मिठाई की शॉप भी मौजूद है जो अपनी मिठाई के ऊपर असली 24 कैरेट गोल्ड लीफ लगाती है? और ऐसा इसलिए क्योंकि इस शॉप का नाम है 24 कैरेट मिठाई मैजिक, जो कि अपने नाम के मुताबिक काम कर रहा है और मिठाई बेच रहा है। अगर आप इस शॉप से 1 किलो मिठाई लेते हो तो तब आपको यहाँ करीब 9,000 रुपए पे करना पड़ेगा। शायद ही आप सभी को इसके बारे में पता हो कि लैपटॉप पर यूट्यूब चलाते समय अगर आप कीबोर्ड पर 1, 2, 3 या 4 कोई नंबर प्रेस कर दोगे तो तब आप सीधे वीडियो की उस परसेंटेज पर पहुंच जाओगे जितना नंबर आपने प्रेस किया है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 का मतलब 10, 20, 30 और 40% है। खैर, आप लैपटॉप के अलावा डेस्कटॉप पर भी ऐसा कर सकते हो, बाकी मोबाइल में अभी तक ऐसा कोई सलूशन नहीं है। एवेंजर्स मूवी में आप सभी ने क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर का रोल प्ले करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में मालूम हो कि क्रिस हेम्सवर्थ का जन्म मंगलवार को हुआ था, और ये वही वीक का डे है जिसका नाम नॉर्स गॉड ऑफ थंडर यानी असली थॉर के नाम पर है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन जब बात किसी ऐसी जगह की आती है जहाँ से मून सबसे करीब दिखता हो, तो तब वो जगह माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि माउंट चिम्बोराजो है, क्योंकि माउंट चिम्बोराजो धरती के इक्वेटर में ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि बाकी धरती से ज्यादा बम्प लिए हुए है, और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट के मुकाबले ये पहाड़ ज्यादा ऊंचाई पे है। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में हर जानवर के पास सिर्फ एक ही हर्ट होता है तो आप गलत हो, क्योंकि 8 पैर वाले ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बॉडी में कहीं भी हड्डी मौजूद नहीं है बल्कि हर जगह मसल्स होती है, जिनकी मदद से ये कितने भी छोटे होल से आसानी से निकल सकता है। गॉडजिला और किंग कॉन्ग की लड़ाई में कौन जीतेगा वो काफी हद तक डिपेंड करेगा ये लड़ाई किस जगह पे हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि अगर ये लड़ाई जमीन पर हुआ तो उस केस में किंग कॉन्ग को गॉडजिला के अगेंस्ट अपने आसपास मौजूद सभी बड़े हथियार जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर यूज करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यही लड़ाई पानी के पास या पानी के अंदर हुआ तो वो इलाका बेसिकली गॉडजिला का है, तो उस केस में किंग कॉन्ग के लिए गॉडजिला के अगेंस्ट जीत पाना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। हम सोचते हैं कि जिराफ जैसे जीव जो देखने में बहुत ही दुबला पतला है वो शेर या टाइगर जैसे जानवरों से मुकाबला होने पर आसानी से हार मान लेंगे, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि आमतौर पर जिराफ खुद से किसी जानवर पर हमला नहीं करता,
लेकिन जब बात सेल्फ डिफेंस यानी खुद को या अपने बच्चे को बचाने की आती है तो उस केस में जिराफ अपनी असली ताकत दिखाती है। तो जब भी जिराफ पर शेर जैसे जानवर हमला करते हैं तो वो जिराफ की चैंपियन बन जाती है। शेर जैसे जानवरों को अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसकी गर्दन तक पहुंचने की जरूरत होती है। अब जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची है कि वहां तक शेर का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे लगभग 5 शेर मिलकर एक जिराफ को मार गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन सब शेरों के हाथ सिर्फ जिराफ के लाठों के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। कभी कभार शेर बड़े जिराफ को ना पकड़कर बेबी जिराफ का शिकार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन जिराफ की गर्दन शेर के पहुंच में होता है। तो इस वीडियो में ये शेर बेबी जिराफ पर हमला करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी माँ आकर उस शेर को भगाकर अपने बच्चे को बचा लेता है। तो इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना। और आपको क्या लगता है, गॉडज़िला और किंग कॉन्ग के बीच लड़ाई होने पर कौन जीतेगा, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।